हेलो दोस्तों, तो मैं टेक्निकल धर्मजीत में आज आपको बताने वाला हूँ कि ब्लूटूथ से इंटरनेट कैसे चलाए बिना किसी वाईफाई हॉटस्पॉट नेटवर्क के और बिना मोबाइल नेटवर्क के। इसी बात पे आज चर्चा होगी, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाया जाए, समय ना गवाया जाए। तो सिंपली यहाँ पे देखिए, आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपके मोबाइल में, वहाँ पर सेटिंग पर आप टाइप कीजिएगा। टाइप करने के बाद अपना ये जो ब्लूटूथ तो जो आइकन है वहाँ पे टाइप कीजिएगा। ब्लूटूथ का आइकन टाइप करके ब्लूटूथ जो है आप ऑन कर लीजिएगा, और अगर ऑफ होगा तो मेरा तो अभी ऑन है, यहाँ पे दिखा रहा है। अगर ऑन कीजिएगा तो ऑन करने के बाद ऐसे आपको पेयर डिवाइस या सर्चेबल जो अवेलेबल अभी डिवाइस होंगे वो दिखाई देंगे। वो दिखाने के बाद आपको और एक चीज़ आएगा, तो आप उसे पेयर कर लीजिएगा। ठीक है, पेयर करने के बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैं जैसे कि सतीश आईआर लिखा हुआ है ना पेयर डिवाइस, तो यहाँ पे देखिए मैं ये आइकन पर टैप किया। टैप करने के बाद यहाँ पे देखिए, ओह कितना यहाँ पे शोरगुल हो रहा है, मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा हूँ। तो टैप करने के बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे एक और दिखाई दे रहा है कि इंटरनेट एक्सेस, यानी कि अगर आप ब्लूटूथ से इंटरनेट चलाना चाहते हैं, ये नया ऑप्शन आया है, मैंने भी यूज किया है, आप भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ यूज़ फॉर इंटरनेट एक्सेस, अगर आप इंटरनेट एक्सेस के लिए यूज़ कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो अगर अभी तो ये जो डिवाइस है वो ओपन नहीं हुआ है, मेरे पास नहीं है, इसलिए ये नहीं कनेक्ट होगा। सिंपली देखिए मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ, तो देखिए कनेक्टिंग का यहाँ मैसेज दिखा रहा है। अगर वो डिवाइस ऑन होगा तो कनेक्ट हो जाएगा, आप उससे ब्लूटूथ से भी इंटरनेट चला सकते हैं एकदम 100%। अभी ये ऑन नहीं है इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो आज का बस वीडियो यही था कि हम लोग ब्लूटूथ से इंटरनेट कैसे चलाएं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कोई परेशानी हो रही हो अगर आपका नहीं चल रहा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।